जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा भक्तों का हाथ और की उनके साथ जमकर मस्ती। कोई दोनों हाथों में भरकर फूलों की बरसात कर रहा था, तो कोई थाली में रखे कुमकुम गुलाब और चंदन से अपने साथी को टीका कर रहा था। कोई हाथों में लिए ठंडाई का गिलास ब्रज की धुन पर राधा और कृष्ण के साथ डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसाने की होली ग्वालियर में खेली जा रही है। यह सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला ग्वालियर के एक निजी होटल में, जहां JCI संकल्प शक्ति के द्वारा होली मिलन समारोह का शानदार आगाज किया जा रहा था। क्लब के मेंबर अपने परिवार के साथ होली की मस्ती में चूर होते हुए नजर आए। इस होली मिलन समारोह में JCI की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंजलि बत्रा जी एवं गुलनाथ जी मंडल प्रभारी भी मौजूद थी। परिवार के सदस्यों ने इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। उसके बाद सभी लोगों ने साथ में भोजन किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। JCI संकल्प शक्ति के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत किया। I'm
इस डांस और मस्ती के बीच होली की शुभकामनाओं के साथ हमने बात की जेसीआई संकल्प शक्ति के अध्यक्ष विवेक शर्मा से और उनकी पूरी टीम से। स्वागत है जेसीआई संकल्प शक्ति का होली मिलन समारोह। आज के जितने भी लोग हैं, क्लब के सदस्य हैं, यहाँ पर भारी उत्साह के साथ में होली फूलों की होली आज यहाँ पर खेली जा रही है। और पल पल ना माने मेरा जिया इस सॉन्ग पर यहाँ पर गाना हो रहा है और मेरे साथ में विवेक टीम है। आइए हम उनसे बात करते हैं। विवेक जी, आज होली का उत्साह देखते ही बन रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है, पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आज रखा है, ये पारिवारिक प्रोग्राम रखा गया था और आज इस तादाद में हम सब लोग इकट्ठे हो पाए हैं बहुत समय बाद, तो उस सारी अपनी पूरी टीम को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। फूलों की होली जी, फूलों की होली जेसीआई के द्वारा की जा रही है। असल में क्या है कि क्या संदेश देना चाहते हैं ये फूलों की होली? ये संदेश देना चाहती है कि हमें हमेशा हर व्यक्ति के बीच में एक बच्चा होता है उसके अंदर मन में, तो बच्चा हमेशा जीवित रहना चाहिए। जब तक आप हैं सृष्टि पर, आपके बीच में बच्चा जीवित रहे ताकि वो आपकी उमंगों के साथ इस संसार का मजा लेते रहे और इस ऐसे ही हम सब लोग चहकते रहे। हमारा पूरा विश्वास चहकते रहे, हम आपको चहकते हुए देख रहे थे, अभी आप बहुत अच्छा डांस कर रहे थे जी। मैं जी, कहाँ सीखा आपने इतना अच्छा डांस? मेरा होली होली का नाम सुनते ही अपने आप पता से कहाँ से डांस निकला, जोश आया था, जोश आया था मुझे। ये 20 साल पहले उनके साथ डांस करना सीखा है, संकल्प शक्ति बहुत अच्छा काम करती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इस बीच में कई बार इस तरह के एंटरटेनमेंट वाले जब मौके आते हैं तब जेसीआई के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे ऐसे लगता है सारे दोस्त हैं भाई। हम सबका जॉइंट फैमिली है, जॉइंट वर्क करते हैं और साथ में एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं फुल को उसको एंजॉय करते हैं। जेसीआई की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंजलि बत्रा जी और मंडल प्रभारी गुलनाथ जी से भी हमने बातचीत की। तो इस समय हम होली मिलन समारोह में हैं और यहाँ पर अगर एक शख्स हैं जिनके बारे में अगर मैं नहीं बताऊं तो फिर ये सब कुछ अधूरा रह जाता है। अंजलि बत्रा जी हमारे साथ में हैं और उनके साथ में हैं गुलनाथ जी। ये दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जेसीआई को बनाया है। मैं कहूँ ग्वालियर में जितनी भी जेसीआई की शाखाएं चल रही हैं इनके मार्गदर्शन में चल रही हैं और जितने ऊर्जा के साथ ये लोग काम कर रहे हैं ग्वालियर के अंदर समाज सेवा का जितना बड़ा काम हो रहा है ये इन दोनों की बदौलत हो रहा है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है होली मिलन समारोह आपकी एक इकाई के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीआई संकल्प शक्ति जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम करती जा रही है, विवेक जी के बारे में, उनकी पूरी टीम के बारे में क्या कहना है? जेसीआई संकल्प शक्ति आज से 1.5 साल पहले एक पौधे के रूप में हम लोगों को यहाँ पर मिली मंडल 6 में, और आज संकल्प शक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी पूरी संकल्प शक्ति की टीम को, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिस चीज़ का संकल्प लेती है उस चीज़ को पूर्ण करती है। आज मंडल में ही नहीं, जेसीआई इंडिया में आया उस पार्टी
कर रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं जिससे इंडिया की तरफ से पूरी संकल्प शक्ति। मुन्ना जी, अभी कुछ समय पहले एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी रखा गया था, जो भी JCI ज्वाइन करता है उनको समाज सेवा करने के लिए आप लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे उनको प्रेरित करते हैं? देखिए, JCI इंडिया जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, ये 18 से 40 साल तक की युवाओं की संस्था है। तो जब JCI ज्वाइन करते हैं तो उनको हम इसीलिए प्रेरित करते हैं कि ये 18 से 40 साल तक की, जैसे ट्रेनिंग के क्षेत्र में हम चाहे कोई सी भी संस्था ज्वाइन कर लें, पर JCI में जो ट्रेनिंग है वो कहीं नहीं है। तो अभी जैसे संकल्प शक्ति और अदर 4 चैप्टर पाया हमने मिल के ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्हें आजकल समाज में हम बिजनेस चाहिए होता है, PR चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सब कुछ JCI में मिलता है। अगर ये JCI के 5 पोर्टफोलियो समझ लिया और ट्रेनिंग अटेंड करी, तो हम चाहे समाज का किसी भी वर्ग में, अगर आगे हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या कहीं भी, तो आपको हमेशा सफलता हासिल मिलेगी, चाहे वो वुमेंस हो चाहे मेंस हो। तो आपने अभी वुमेंस और मेंस की बात की, हम देखते हैं कि JCI में बराबर से कंधे से कंधा मिला करके महिलाएँ पुरुष सबके सब है ना समाज सेवा का काम कर रहे होते हैं। कितना प्राउड महसूस होता है कि इतनी बड़ी टीम आप लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रही है। समय बदल चुका है, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, और अगर मेरी बात की जाए तो मैं मानती हूँ कि JCI इंडिया एक ऐसा पार्ट है जो वाकई में हम लोगों को ग्रूम करता है, एक साधारण व्यक्ति से विशेष बनाने का काम JCI इंडिया करता है। और जैसा कि अभी जोन प्रेसिडेंट ने कहा कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, एक तो हमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर चीज़ की कक्षाएं होती हैं, लेकिन व्यक्तित्व को ग्रूम करने के लिए कोई भी कक्षा नहीं होती। तो इसके लिए JCI इंडिया है जो आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाकर निकालता है, और आपके कहते हैं कि एक डायमंड होता है उसको पॉलिशिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उसी तरीके से नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसको पॉलिश कर कर इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि वो समाज में देश के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाए, उसका दिमाग विकसित हो, उसके विचार विकसित हो, और वो आगे बढ़कर इस सोसाइटी के लिए कुछ सोच पाए। 13-14 शाखाएं चल रही हैं JCI की, क्या और प्लान है आपका, कितना और आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, अभी मुझे इस समय अगर बात की जाए तो मुझे जिम्मेदारी पूरी JCI इंडिया की मिली है, क्योंकि मैं नेशनल डायरेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि मंडल 6 पूरे मध्य प्रदेश में समाहित है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमारी मंडल अध्यक्ष गुलनाज जावेद जी बहुत ही बेहतर कार्य कर रही हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस वर्ष JCI को 10 से 15 नए अध्याय जरूर मंडल 6 के द्वारा दिए जाएंगे, और हम लोगों का फोकस इस बार उन जगह पर है जहाँ पर JCI नहीं है, क्योंकि हम सभी का एक ही मानना है कि अगर हम किसी को दे सकते हैं तो ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को वाकई में आगे तक ले जाती है, और किसी भी चीज़ को आप देकर उसको काबिल नहीं बना सकते, लेकिन एक ज्ञान के माध्यम से आप उसे काबिल बना सकते। जी मैडम, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि JCI बहुत सारे काम कर रही है, क्या लगता है आपको किन क्षेत्रों में अभी JCI को और काम करना रह गया? JCI हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो हमारा बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे हमारा ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, और रूरल एरिया में काफ़ी कुछ अभी हमारा न्यू, जैसे कि प्रयास का चला सैनिटरी नैपकिन, अभी इसको हमने पूरे जो जहां रूरल एरिया में महिला अवेयर नहीं होती है सफाई के प्रति, तो वो हम पूरा JCI के माध्यम से तो चला रहे हैं। आप दोनों से एक क्वेश्चन है, परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है पहले या फिर उनसे पूछें? हाँ, देखिए, आज अगर महिलाएं आगे आई हैं तो परिवार का सपोर्ट है, आज अगर महिलाएं आगे आई हैं तो परिवार का सपोर्ट है, अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होते तो हम यहाँ नहीं खड़े होते आज। तो परिवार का तो फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर महिलाएं निकलकर बाहर कुछ कर रही हैं तो पुरुष ने अपनी क्षमता बदली है सोचने की, और उन्होंने महिलाओं को बाहर निकाला है, क्योंकि हम बाहर बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर हमें घर से परमिशन नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे इन-लॉज हों, चाहे हमारे फादर्स हों, हस्बैंड हों, भाई, सबका बहुत बहुत मार्गदर्शन और परिवार से मिलता है, तभी आज हम इतना सारा समय निकाल करके समाज को देना, परिवार के लिए बहुत कम समय बचता है। कभी किसी के मन में कोई रहता है शिकवा शिकायत घर पे? आपके दो क्वेश्चन साथ में मर्ज हो गए हैं। अगर आज हम यहाँ पर हैं या आज हम अपने पूरे भारत को JCI इंडिया के थ्रू अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है।
और अगर बात की जाएगी परिवार को शिकवा शिकायत, तो हमें जेसीआई इंडिया सिखाता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि जेसीआई इंडिया का बहुत अहम पार्ट है मैनेजमेंट करना, और हम उस चीज़ का मैनेजमेंट करते हुए हम अपने कार्यों को आगे करते हैं, ताकि हमारे परिवार को भी हमसे शिकायत ना रहे, हमारे समाज को भी हमसे शिकायत ना रहे, और जो दायित्व हम निभा रहे हैं हम उस दायित्व को भी अच्छे से निभाएं। ग्वालियर के लिए आप दोनों बहुत संभावनाएं वाली महिलाएं हैं, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, होली की शुभकामनाएं आरबीएस की तरफ से आप सब, आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को। तो ये दो महिलाएं हैं जिन्होंने ग्वालियर को, न सिर्फ जेसीआई को बल्कि ग्वालियर को आगे ले जाने का काम किया है, और निरंतर इनका प्रयास जारी है। हम ऐसे उम्मीद करेंगे कि ये दोनों लोग पूरे इंडिया लेवल पर न सिर्फ जेसीआई का बल्कि ग्वालियर का नाम रोशन करें। आरबीएस न्यूज चैनल के लिए अपने सहयोगी रचित दुबे मोनू बातम के साथ मैं संजय भारती। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।